Hello students, how are you all? Fine? Okay. तो आपने देखा कि last video में हमने हिंदी subject में रंगों के नाम और पक्षियों के नाम ये दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया है. तो आज हम पशुओं के नाम, फलों के नाम और फूलों के नाम ये तीनों के बारे में हमें पढ़ना है. आपको पता ही है कि कौन कौन से फूल, फलों और पशु ये तीन के बारे में आपको पता ही है. पर हम कोई कोई बार गुजराती वर्ड्स में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, तो आज हम हिंदी में क्या बोलते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, तो यहाँ है पशुओं के नाम. तो पशुओं के नाम में हम गाय, पहला है गाय. तो गाय आपको पता है कि गाय वो हम गुजराती में भी गाय बोलते हैं, तो ये से हिंदी में गाय ऐसे लिखा जाता है. ये गाय यानी कि का, C-O-W, का. बाद में है भैंस, भैंस यानी बफेलो. तीसरा है बकरी, बकरी यानी गोट, GOAT, गोट. फोर्थ नंबर है शेर, शेर यानी लायन. फिफ्थ नंबर बाघ, बाघ यानी टाइगर. लास्ट सिक्स नंबर हाथी, हाथी यानी एलिफेंट. ओके, हम बोलेंगे फिर से, गाय काउ, भैंस बफेलो, बकरी गोट, शेर लायन, बाघ टाइगर, हाथी एलिफेंट. ओके क्लियर. अब हम फलों के नाम के बारे में पढ़ेंगे. फलों आपने देखे भी है और आप अलग अलग वर्ड्स में यानी कि हिंदी, गुजराती और इंग्लिश में बोलते हैं, पर आज हम हिंदी में कैसे लिखा जाता है और बोला जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. आम, आम तो आपको सबको पता ही है ना. मैंगो, आम यानी मैंगो. अनार, अनार यानी पोमग्रेनेट. तीसरा केला, केला यानी बनाना. संतरा, ऑरेंज. चिक्कू, चिक्कू. चिक्कू को हिंदी में चिक्कू ही बोलते हैं और इंग्लिश में भी हम चिक्कू ही बोलते हैं. लास्ट पपीता, पपल या. ओके क्लियर. फिर से बोलेंगे, आम, मैंगो, अनार, पोमग्रेनेट, केला, बनाना, संतरा, ऑरेंज, चिक्कू, चिक्कू, पपीता, पपैया. ओके क्लियर. अब लास्ट में हम फूलों के नाम के बारे में पढ़ेंगे. फूलों फर्स्ट नंबर है कमल, कमल सबको पसंद है ना. ओके, तो कमल, कमल यानी कि लोटस, LOTUS, लोटस. गुलाब यानी कि रोज. मोगरा, मोगरा. गेंदा, मैरीगोल्ड.
सूर्यमुखी एंड ही सनफ्लावर. चमेली यानी जस्मिन. हम इसको बोलेंगे कमल, लोटस, गुलाब, रोज, मोगरा, मोगरा, गेंदा, मैरीगोल्ड, सूर्यमुखी, सनफ्लावर, चमेली, जस्मिन. तो आज आपको पशुओं के नेम, फलों के नेम और फूलों के नेम के बारे में हमने पढ़ा. आपको क्या करना है, घर पे ये लिखना है और बोल के प्रैक्टिस भी करनी है. ओके, थैंक यू.